वो क्या शुरू टाइम भी खत्म होने वाला है। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, इनफैक्ट पावर ब्रेकडाउन्स आर वेरी फ्रीक्वेंट टुडे। एवरी 5 मिनट्स देयर इज अ ब्रेकडाउन व्हिच डिस्टर्ब्स अस। आई एम सॉरी फॉर दैट। सो लेट मी रिज्यूम व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। वी टॉकिंग अबाउट kids' attitude towards nature as it is reflected in his poems. And these three poems that we have just shared reading, these three poems belong to different aspects of his poetic sensibility. The ode on Girishanar, it speaks for his artistic beliefs. It's his artistic beliefs. How does he look at the theory of art? The theory of art is very simple for Keats. Art is an embodiment of beauty. And this beauty is captured by us in the framework of art. Through our 5 senses. And what these senses capture is not false, it is true. True in sociological sense, true in the moral sense, true in the religious sense, and true in the artistic sense. So there is a kind of a relationship between truth and beauty and truth in the domain of art, in the domain of poetry. The poetic truth is always beautiful, and the poetic beauty is always truthful. We can interchange them. Truth and beauty are interchangeable. The truth is beauty. Jo sachai hai wo husn hai. देखो ना, हुसन क्या होता है? हुसन हर अच्छी चीज को हुसन कहते हैं। जो आपके कानों को भली लगे, आपको जायका उसका अच्छा लगे, आपकी आंखों को भली लगे, आपको सुनने में अच्छी लगे, आपको सूंघने में अच्छी लगे, आपको टच करने में अच्छी लगे, इट इज ब्यूटीफुल। व्हाटएवर इट इज, इट मे बी एनिमेट और इनएनिमेट, इट मे बी लिविंग और नॉन लिविंग, तो ये तो ब्यूटी होगी ना। तो ये जो ब्यूटी है, यही जिंदगी की हकीकत है, यही ट्रूथ है जिंदगी का। देखिए ना, कैसे कैसे जिंदगी के जो पैमाने हैं वो क्या है। जिंदगी का पैमाना है सच, जिंदगी का पैमाना है लोगों के साथ आप मोहब्बत से पेश आए, जिंदगी का पैमाना है कनात अनाथ, जिंदगी का पैमाना है तहमुल, जिंदगी का पैमाना है सच्चाई, ईमानदारी। ये सारी अच्छी चीजें हैं ना। तो जो अच्छी चीजें होती है वो खूबसूरत भी होती है। सच्चाई बड़ी खूबसूरत चीज है, अध्यानति बसूरत है। इसी तरह जो भी चीजें जो आपको अच्छी लगती हैं, दे आर ब्यूटीफुल। आम आपको अच्छा लगता है, जायका उसका अच्छा होता है, इट इज ब्यूटीफुल। इत्र आपको अच्छा लगता है, खुशबू होती है, इट इज ब्यूटीफुल। हनी आपको अच्छा लगता है, मीठा होता है, शहद होता है, आप कहते हैं क्या बात है। फूल आपको अच्छे लगते हैं क्योंकि वो देखने में अच्छे नजर आते हैं, उनकी खुशबू होती है। तो ये चीजें जो, ये जो अच्छाई है ये सच की अच्छाई है। जो हुसन की अच्छाई है वो सच की अच्छाई है, और जो सच की अच्छाई है वो हुसन की अच्छाई है। लिहाजा सच और हुसन, सच को आप सदाकत कहते हैं, सच को आप सदाकत कहते हैं, सादिक सच बोलने वाला। हजूर के बारे में कहते हैं सादिक थे, अमीन थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये सच्चाई, ये एक अच्छाई है, नेकी अच्छाई है,
ईमानदारी अच्छाई है और ये सारी चीजें हुस्न भी है। जब आप नेचर में रहते हैं फॉर ए साइजेबल पीरियड ऑफ टाइम, कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम, तो आपके दिल जो है ना वो नर्म हो जाता है, आप को जिंदगी की अच्छी कदरें हैं वो उनसे मोहब्बत हो जाती है, द गुड वैल्यूज ऑफ लाइफ। तो नेचर का ये फायदा है कि वो आपको चेस्टाइज कर देती है, आप में से जो आलाइशें निकाल देती है, क्या आलाइशें नहीं थी गंदगी है, जो बकरीद का आलाइशें आपके ये जो आप जानवर काटते थे उनका गंज होता था उसको आलाइश कहते हैं। तो हमारे अंदर की जो आलाइशें हैं वो ये जो तजुर्बा है ब्यूटी का, नेचर का, ये उन आलाइशों को निकालता है, पर्ज करता है उनको, पर्गेशन, जो अरिस्टोटल ने अपनी थ्योरी ऑफ ट्रेजेडी में कहा कि ट्रेजेडी हमारे जो टेरर है, फियर है, इन चीजों को वो खत्म करती है, वो उनको ट्रेजेडी हमें उनसे निजात दिलाती है, हमें हमारा कैथारसिस करती है। तो आपने देखा जो मैंने भी आपको बताया ये बातें, ये अब हम अगले दफा करेंगे। अब आपके 42 लेक्चर हो गए आज, और ये 42 लेक्चर जो है 27 अब हो गए, 9 हफ्तों के, आज 9 हफ्ते आपको पूरे हो गए, 15 पहले के, तो 6-7 लेक्चर में आपका कोटा पूरा हो जाएगा। अभी मैं एक लेक्चर में और ये फिर से कुछ बातें कर लेंगे, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा टेनिसन की नजम में यूलिसिस, वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा कंप्यूटर पर, छोटी सी नजम है, वो हम पढ़ेंगे। तो आई एम ग्रेटफुल टू यू, आज आप काफी लोग आए, 22 लोग आज आए थे, तो वो 4 नंबर है, आप लोग टोटल तो खैर बहुत हैं, आप लोग 43 है टोटल, तो 43 में से 43 है लोग, हाँ 43 है, तो 43 में से ये लोग आज 22 आए, इसका मतलब है कि आधे हैं, अभी भी आधी आपकी पूरी नहीं है, कुछ लोगों को छोड़कर जिनकी मजबूरियां हैं, जिनके पास ये नहीं है, सहूलतें नहीं है, उनको आप निकाल दें, आपको 47 है आप लोग। एम इंग्लिश 2, ये कौन सा है, ये 2 है ना, 2500 जो है, और 7743 है, ये लिख लो, ये जो आप में से जो फैसल, ये दो इनके नंबर लिख लो, 7743 खास तौर पर, 2500 नहीं, ये आया हुआ है, 7743 का नाम क्या है, इसका नाम है जुबैर, जुबैर है इनमें कहीं, तो ये किधर गया, वो लड़का किधर है, ये लड़का जुबैर है जिसका रोल नंबर मैंने अभी कहा है, सुन रही आप मुझे नैमा, Are you hearing me? चलें जो लोग सुन रहे हैं वो लड़के से कहें वो हाजिर हो, वरना फिर मैं उसको चुंडी भरूंगा, फिर मैं ठीक करूंगा उसका दिमाग उसका। ओके सर। चलो बस ठीक है, खत्म करें, थैंक यू वेरी मच। यस सर। ठीक है, थैंक यू।